जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 8/2022 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है, 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 भाग के बराबर है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए कोई राशि लगाया है, मान लीजिए कि हमको राशि तो मालूम है नहीं, तब मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये है, अब 100 रुपये भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये पैसा है और इसको हम 10 साल के लिए लगाते हैं, तो जो मेरा मूल्य राशि है उसका ब्याज 4/5 भाग में हमको मिल रहा है। तो पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने टाइम बटा 100। ठीक है, आप राशि को 100 भी मान सकते हैं। मान लीजिए जो मेरे पास रुपया जो है 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपये मेरा मूल्य राशि है। ठीक है, मैं हमको दर निकाला है, दर तो मालूम नहीं है, दर निकाला है आर रहने देते हैं, और समय है 10 साल में बट्टा 100। अब जो मेरा ब्याज मिल रहा है जो मूल्य राशि का 4/5 भाग है, तो और इसका 4/5 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए 100 रुपया मेरे पास राशि है, इसका 4/5 भाग मेरा ब्याज हमको मिल रहा है, और इसका काटा कितना है 20 बार में 20 × 80 यानी 80 रुपये हमको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम काट दें कितना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से कटा 10 थी 0, यानी आर बराबर 8% ये तो यहाँ हो गया। अब देखिए अगर यहाँ से हम डायरेक्ट हम निकालना चाहें तो 4/5 भाग मेरा राशि कितना दिया है, जो हमको ब्याज मिल रहा है मूल राशि का 4/5 भाग होता है, 4/5 भाग हमको अथी ब्याज मिल रहा है, और 1/5 हम देखें तो 1/5 क्या होता है, 20% में हम 1/5 लिखते हैं, 20% जो मेरा 20% मान दिया रहा है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1/5 भाग। तो देखिए और इसका हम चौगुना करें तो कितना गया, और इसका हम चौगुना करते हैं तो 4/5 भाग होगा, और तो इसमें भी 4% 4 से गुना करें कितना गया 80%, यानी जो हमको ब्याज मिल रहा है मूल्य राशि का 80% वो ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो जो हमारा ब्याज होता है टोटल करते हैं क्या दर कितना परसेंट हमको ब्याज लग रहा है, और गुना समय टाइम, दर गुना टाइम और टोटल का गुना करते हैं हमारा टोटल परसेंट आता है कितना परसेंट हमको ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट ब्याज है 80%। अब यह समय दिया था 10 साल, तो 10 से सीधे हम काट सकते थे, तो आर बराबर आ जाता 8% ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं कुछ नंबर 2। देखिए प्रश्न 2 क्या कर रहा है, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 65,000 रुपये है, लैपटॉप की 20% की छूट पर बेचा जाता है, यदि बिक्री से 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और दोनों का देखें तो दोनों में बीच संबंध क्या होता है, और एम पी बट्टा और सी पी हम देखें तो क्या होता है, हमको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 100+ प्रॉफिट बट्टा में 100, हम कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 - D। देखिए अगर हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का संबंध देखें तो मार्क प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, हम उसके बराबर में होता है 100+ प्रॉफिट, हमको कितना परसेंट लाभ हो रहा है बट्टे में 100 - डिस्काउंट, हम कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मान बैठा सकते हैं, अब मेरा जो अंकित मूल है 65,000 रुपये है, तो अगर अंकित मूल को हम लिख देते हैं 65,000 रुपये, हमको सी पी तो मालूम नहीं तो सी पी लीजिए, सी पी क्रय मूल्य हमको निकालना है तो क्रय मूल्य रहने देते हैं। अब हम जो मूल्य राशि है उसमें हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20%। ठीक है, 20% छूट दे रहा है तो छूट दे रहे हैं 100 - D, और 100 में से हम 20 घटाएंगे कितना आएगा बट्टा में 80, तो हमको लाभ कितना हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पर अंकित करते हैं, लाभ जो चर्चा करते हैं हम तो क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट की चर्चा करेंगे तो हमको अंकित मूल्य पर, और लाभ या हानि का चर्चा करते हैं तो क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, और तो एम पी ए मेरा आ गया 65,000 रुपये, सी पी आ गया, सी पी को छोड़ दिए, अब डिस्काउंट माने थी 20% डिस्काउंट था, छूट था 20%, तो 100 - 20 किया 80, और हमको 30% लाभ हो रहा है, तो 100+ हम 30 जोड़े तो कितना आएगा 130 आएगा। और देखिए 65,000 बट्टा CP बराबर 130 बट्टा 80, 0 0 कैंसिल होगा,
1300 का काटा 1365 यानी कितना 5000, 500 में 8 गुना करेंगे तो सी पी बराबर आ जाएगा 8.40 यानी 40,000। जो लैपटॉप का क्रय मूल्य है 40,000 रुपये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है, बिंदु ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है, एक व्यक्ति ए से बी की ओर 10 AM पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर 11 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, तो वे किस समय मिलेंगे। देखिए दो स्थान दिया है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, यह स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, ठीक है। एक आदमी ने शुरू किया ए से चलना और एक आदमी बी से चलना शुरू किया, मान कि एक आदमी है तो ए से चलना शुरू किया और दूसरा व्यक्ति है जो बी से चलना शुरू किया है, ठीक है। जो ए से चलना शुरू किया है तो मैं जो ए है पहला व्यक्ति है ए से बी की ओर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति है बी से ए की ओर आ रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो पहला व्यक्ति चल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति की चल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला व्यक्ति सुबह 10 बजे चलना शुरू किया है, पहला व्यक्ति सुबह 10 AM में चलना शुरू किया है और दूसरा व्यक्ति 11 AM में यानी सुबह 11 बजे चलना शुरू किया है। देखिए जब समय डिफरेंस रहे तो पहले जो बाद वाला समय उसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये 10 बजे चलना शुरू किया है तो मैं एक घंटा इसको चला देते हैं और एक जो पहला व्यक्ति है इसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हम 10 बजे चलना शुरू किया हम 11 बजे जुड़ना चाहते हैं तो एक घंटा इसे चला दिए तो अब कितना बजा है 11 कुछ ना कुछ दूर। देखिए इसका जो स्पीड है एक घंटा में 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर दूरी तो तय किया है एक घंटा में तो अब कितना बचा, अब टाइम समय होगा 11 बजे सुबह 11 बजे और यहाँ भी पहला व्यक्ति भी सुबह 11 बजे है दूसरा व्यक्ति भी सुबह 11 बजे यानी समय दोनों का बराबर हो गया और इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक घंटा में कितना दूरी तय किया 10 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर जिसमें 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, बचा कितना 190 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी बचा है 190 किलोमीटर। जब एक दूसरे के एक समान दिशा में चलेगा तो जो मेरा चाल होता है चाल का अंतर लेते हैं, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो जो चाल है उसे जोड़ते हैं। तो देखिए जो पहला व्यक्ति है तो बी की ओर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति है ए की ओर आ रहा है, यानी जो मेरे दोनों का समय दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, जब विपरीत रहेगा तो हम चाल को जोड़ेंगे तो पहला व्यक्ति की चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों जोड़ रहे हैं तो मेरा चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के मेरा चाल आ गया दोनों को जोड़ने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको दूरी कितना तय करना है 190 किलोमीटर, तो 190 किलोमीटर। देखिए अगर हमको समय निकाला तो समय बराबर होता है, समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल, चाल तो हमको दूरी भी मालूम है कितना 190 किलोमीटर, चाल भी मालूम है जब विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल का हम जोड़ेंगे तो चाल कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो काट रहा 0 0 कैंसिल 36 18 6 बार पूरा पूरा काटा, अब 6 घंटा ये घंटा में है तो 6 घंटा के 6 घंटा 1/2 देखिए या तो ये लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 1/3 घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 से गुना करें तो मिनट में चलेगा तो 6 घंटा और इसे 3 से काटेंगे 20 बार में 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट में वह एक दूसरे से मिल जाएगा। देखिए जब समय आएगा कितने बजे मिल रहा है तो जो हमारा बाद का समय होगा उसमें जोड़ेंगे ना कि पहला में जोड़ेंगे। बाद में कौन चलना शुरू किया है दूसरा व्यक्ति तो कितना बजे चलना शुरू है 11 बजे और 11 में अपना सम 6 घंटा 20 मिनट जोड़ रहे हैं तो कितना गया 17 घंटा 20 मिनट। टाइम होता है 12 बजे तो 12:05:17 यानी 5:20 में एक दूसरे से मिलेंगे PM, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न 4 क्या करा, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाने और प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।
देखिए, एक नदी बना लेते हैं, मान लेते हैं एक नदी है, कोई व्यक्ति है स्थान ए से स्थान बी तो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें एक नाव चला रहा है, नाव चला रहा है, ठीक है, तो नाव का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, मान लेते हैं नाव का स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो और नदी है तो नदी का जो धारा उसका भी कुछ ना कुछ चाल है, तो नदी के जो अथी धारा का चाल है उसको मान लेता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यू भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ दिया है का कि नाव का मेरा चाल दिया है, नाव की जो चाल है शांत जल में, शांत जल में कल जब कहेगा तो सिर्फ नाव ही का चाल होगा, ठीक है, तो नाव का चाल कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल दिया है यानी वाई के मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ए और बी के बीच के बीच की दूरी है तो कितना दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर। देखिए जब कोई व्यक्ति और मान्य कि ए से बी की ओर जा रहा है और बी से ए की ओर आ रहा है, तो एक तरफ तो वो धारा की दिशा में चलेगा और एक तरफ जब दूसरे तरफ आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, जब धारा की दिशा में चलेगा नाव, जब धारा दिशा में चलाएंगे तो दोनों चाल जोड़ेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल का अंतर लेंगे, तो नाव की चाल कितना है, यहाँ अगर 7 किलोमीटर दिया है तो नाव की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का और हमको समय निकलना है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल, हमको दूरी तो समान है 60 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी आ गया 60 किलोमीटर, ठीक है। अब जब एक तरफ तो धारा की दिशा में चलेगा तो मान लो कि पहले धारा की दिशा में चल रहा है, तो धारा की दिशा में चलेगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ेंगे, तो नाव की चाल कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7 + 3 करें कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चाल जोड़ देते और दोनों का चाल का अंतर लगेगा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बाद में लगा था कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 में से 3 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब नाव धारा की दिशा में चलेगा तो उसका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जब धारा विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो मेरा समान है 60 किलोमीटर दिशा दूरी है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तब मान लीजिए जो पहला जा रहा है धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में उसका चाल होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का बराबर समय निकल जाएगा, और इसका काटे कितना 6 घंटा में और इसे का 15 घंटा में। देखिए जब 60 किलोमीटर दूरी और तय करना है, जब धारा की दिशा में चलेगा तो उसे टोटल समय लग रहा है 6 घंटा, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो वही 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 15 घंटा समय लगेगा, तो टोटल कितना समय लग रहा है दोनों जोड़ें तो 15 × 6 = 21 घंटा। एक नाव को 7 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रहा है, धारा के साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर दूरी जाने और आने में दोनों एक तरफ धारा दिशा में चलेगा और दूसरी तरफ धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, तो दोनों जब दोनों जाने और आने में टोटल कितना समय लगेगा 21 घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक ग्राफ दिया है जिसे पूछ रहा था सी द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या ए द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बैट्स की औसत संख्या से कितने दिनों में अधिक है। देखिए ये जो संख्या है 5 दिन का दिया है, 5 दिन में कितना टोटल मिला श्रमिक के कितना बैट बना रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा प्रश्न का सी में सी द्वारा बनाए गए बैट की संख्या ए द्वारा बनाए गए इसका औसत बैट से कितने दिन अधिक है। सी में जितना हर दिन जितना बैट बन रहा है तो एक औसत से कितने दिन में उससे अधिक बैट बन रहा है, ठीक है, तो इसके लिए पहले औसत हमको निकालना पड़ेगा, तो औसत क्या औसत कैसे निकलता है, औसत निकालने के लिए सभी संख्या योग करते हैं और जितने संख्या है उसे भाग करते हैं, तो सभी संख्या योग पर क्या है और जोड़ते हैं 5 + 5 = 10, 10 = 0 हासिल बचा 1 7 14 14 + 22 23 30 30 से 9 29 हासिल बचा 3 3 = 4 490। टोटल कितना बैठ पड़ा है जो ए द्वारा है 490 बैट पर रहा है, तो इसका औसत निकले प्लस संख्या कितना है 2 4 1 5 5 दिन है 2 4 2 6 6 दिन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे टोटल मेरे पास बैट कितना पड़ा है ए में
जो एक 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 कंपनी है तो एक कितना बेड बना रहा है, हर दिन मिलाकर 490 बेड बन रहा है, ठीक है। इसका औसत निकाल दिन से भरा देंगे तो भरा देते हैं 8648 एक पॉइंट महंगा छोड़ रहने देते हैं। अब देखते हैं इस औसत से कितना कितने दिन में सी अधिक बेड बना रहा है, तो 81 से कौन अधिक है, सब अधिक है, एक दिन हो गया, एक दो दिन हो गया, और तो सभी 81 से कम है, तो दो दिन में है जो सी है उसका औसत से अधिक बेड बना रहा है, तो दिन की संख्या होगी दो दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।